एक छोटी सी चीज और ऐड कर देता हूं सर, जब तक ब्रेक चल रहा है। यस सर। जैसे नॉमिनी आप बनाते हैं, एक्चुअल जो ओनर है आपके, जो ओरिजिनल ओनर, वो ओरिजिनल आप मेंबर नॉमिनी करता है, तो क्या ज्वाइंट मेंबर्स भी नॉमिनी बना सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स यस, बना सकते हैं। ज्वाइंट मेंबर्स भी अपने अपने नॉमिनी दे सकते हैं, एंड चाहे जितने दे सकते हैं। हो सकता है कि ओरिजिनल ओनर के दो नॉमिनी हैं, तो जो सेकंड स्टैंड करता है शेयर सर्टिफिकेट पे नाम, जो ज्वाइंट ओनर है उसके तीन नॉमिनी है। हो सकता है जो चौथा स्टैंड करता है शेयर सर्टिफिकेट पे, जिसका नाम है ज्वाइंट ओनर, उसके पांच नॉमिनी है। तो ये लॉ में प्रोविजन है कि वो अपने नॉमिनीज को डेफिनेटली कर सकते हैं, जितना फॉर्म में अवेलेबल होगा उसके हिसाब से। और हर नॉमिनी के साथ में एक जो फॉर्म फिल करना होता है प्लस एक अमाउंट पे करनी होती है, वो तो आपको करना ही करना है। ये दो मेंबर्स तो हो गए भाई आपके नॉमिनी के, क्या एसोसिएट मेंबर नॉमिनी बना सकते हैं? क्योंकि अभी हमने देखा कि उसको तो सारे राइट्स मिले हुए हैं जैसे कि ओरिजिनल मेंबर को मिले हुए हैं, तो क्या एसोसिएट मेंबर अपना नॉमिनी बना सकता है? भाई साहब बिल्कुल नहीं बना सकता है, वो उसको ये राइट्स दिए नहीं है, ना वो नॉमिनी बना सकता है, ना वो फ्लैट बेच सकता है, ना रेंट आउट कर सकता है। वो बिहाफ ऑफ ओरिजिनल मेंबर बस कुछ काम कर सकता है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। क्या जिसको नॉमिनी के बाद में आपने प्रोविजनल मेंबरशिप दी है वो नॉमिनी बना सकता है? उसको भी ये राइट्स दिए नहीं है, क्योंकि वो बिहाफ ऑफ खाली ओरिजिनल मेंबर के लिए एक छोटा सा केयर टेकिंग का काम कर रहा है, उसको ये राइट्स ही नहीं है कि वो नॉमिनी बनाए। तो अदर देन ओरिजिनल मेंबर एंड ज्वाइंट मेंबर, इन दोनों के अलावा और किसी को ये राइट्स दिए ही नहीं है, जिसको हम टाइटल ओनर कह सकते हैं। कि वो टाइटल के ओनरशिप उनके पास है, इसलिए उनको ये अथॉरिटी दी हुई है कि वो अपने नॉमिनी खड़े कर सकते हैं, अपने नॉमिनी नॉमिनेट कर सकते हैं। अदर देन टू, बाकी और किसी को ये राइट्स ही नहीं दिए, चाहे वो एसोसिएट मेंबर हो चाहे प्रोविजनल मेंबर हो, उनको कोई राइट्स नहीं दिए हुए कि वो आपके नॉमिनी को नॉमिनेट करें। तो ये एक छोटा सा क्लियरेंस मैंने कर दिया सर। ये कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो अदर देन टाइटल ओनर और किसी को ये राइट नहीं है, ये चीज एकदम क्लियर करती है कि अगर आप टाइटल ओनर हैं बाय विच वे तो आप नॉमिनी कर सकते हैं, अदरवाइज ये राइट्स आपके पास नहीं। आशीष सर, अगर आप टाइटल ओनर की परिभाषा भी थोड़ा ही बता दें लोगों को, अपने दोस्त उसके बारे में भी जानकार हो जाएंगे। टाइटल ओनर देखिए, जैसे आप किसी फ्लैट को आप जब परचेस करते हैं, एज आई सेड कि मैं और हेमंत जी दोनों ने मिलकर एक फ्लैट खरीदा बिल्डर के साथ में, तो एग्रीमेंट बनता है हम दोनों के नाम पे, और उसमें ये पॉसिबल है कि मेरा 50% शेयर हो, उनका 50% शेयर हो। तो हम दोनों एक बार जब वो डीड, सेल डीड रजिस्टर हो जाती है, तो उस रजिस्टर डीड के हिसाब से उस फ्लैट के टाइटल ओनर हम हो जाते हैं। उसके बाद सोसाइटी उसी टाइटल ओनरशिप को देखते हुए हमें मेंबर बनाती है और शेयर सर्टिफिकेट में हमारा नाम चढ़ाती है, तो उस सेल डीड के हिसाब से, उस रजिस्टर्ड डीड के हिसाब से हम दोनों 50-50% के पार्टनर होते हुए और टाइटल ओनरशिप रिजर्व करते हैं उस चीज। आपने बताया कि एसोसिएट मेंबर टाइटल ओनर नहीं हो सकता। यस सर। वो क्यों नहीं हो सकता? सर ऑब्वियस सी बात है कि उसका इंटरेस्ट जो है उसमें किसी तरीके से है नहीं, ना उन्होंने कुछ पे करके कुछ परचेस किया हुआ है, ना उनका सेल डीड में कहीं नाम है, वो एक थर्ड पार्टी है। और एक ये प्रोविजन दिया हुआ है कि इन केस अगर जो हमारे जो टाइटल ओनर है वो किसी कारणवश अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो राइट्स हैं वो नहीं निभा पा रहे हैं, तो एक प्रोविजन कर दिया है कि आप एक एसोसिएट मेंबर चुनिए जो कि आपके फैमिली का मेंबर हो और उसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में नहीं आएगा, और वो सारे राइट्स जो आपके थे अदर देन सेलिंग, बाइंग एंड रेंटिंग आउट, वो चीजें उसको मिल जाती हैं विद द कंसेंट ऑफ टाइटल ओनर। आशीष सर, क्या जॉइंट ओनर टाइटल ओनर होता है? ऑब्वियस सी बात है सर, जॉइंट ओनर है तो उसने 50% शेयर लिए हुए या 25% शेयर लिए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो टाइटल ओनर है क्योंकि उसका सेल डीड में नाम है, जो रजिस्टर्ड सेल डीड हुई है, जो बिल्डर के साथ में उसका करारनामा हुआ है उसमें तो वो है ही है।
सो वी विल स्टार्ट इट नाउ. पहला क्वेश्चन है बाय स्वदेशी फूड्स. सर नमस्ते. मेरा सवाल ये है, हमारा जॉइंट प्रॉपर्टी है हस्बैंड वाइफ के नाम से फ्लैट, तो अगर मैं प्राइमरी मेंबर हूँ, मेरी डेथ होती है, मैंने नॉमिनेशन फॉर्म भी फिल नहीं किया है, तो क्या जो सेकंड मेरे हस्बैंड है मेरे डेथ के बाद, वो उसमें अगर बच्चों से कुछ इश्यू नहीं आता है तो मेरे हस्बैंड कैन स्टे, आई मीन स्टे इन द सेंस, उनको सोसाइटी से कुछ ऑब्जेक्शन है कि सोसाइटी में कुछ लेटर देना पड़ेगा, क्या है? ये पहला सवाल है. इसी के इसमें है कि अगर मैं, मेरे दो प्रॉपर्टी है, तो मैं दोनों दो फ्लैट है एक ही सोसाइटी में, और मैं दोनों फ्लैटों में दो एसोसिएट मेंबर मेरे दोनों बच्चों को कर सकती हूँ क्या, और वो दोनों इलेक्शन में खड़े रह सकते हैं क्या? थैंक यू. जो पहला क्वेश्चन था वो बहुत क्लियर हुआ मुझे, सेकंड वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं सुना. मैं पहले का आंसर दे देता हूँ आपको. अगर आपके प्राइमरी मेंबर का डेथ होता है और नॉमिनेशन में नहीं है और ज्वाइंट मेंबरशिप पे फ्लैट है, तो आपको रिलीज डीड बनवानी होती है. और आपके क्लास वाइज, सपोज जैसे हस्बैंड की डेथ होती है और वो प्राइमरी मेंबर है और उनके दो बच्चे हैं और एक वाइफ है, तो क्लास वाइज जितने भी वहां पे मेंबर्स होंगे उनको उनकी रिलीज डीड, जिनके भी फेवर में बाकी के शेयर ट्रांसफर करने हैं, वो रिलीज डीड आपको रजिस्टर करवा के फिर सोसाइटी को अप्रोच करना पड़ेगा, इन केस अगर नॉमिनी नहीं है तो. इसका मतलब है मेरे हस्बैंड को रिलीज डीड करना पड़ेगा आप बोल रहे हैं, कि मेरे बच्चों को रिलीज डीड करना है? नहीं समझी मैं आपका आंसर. नहीं नहीं, आपके बच्चों को करना पड़ेगा टुवर्ड्स आपके हस्बैंड के लिए, जो अपने राइट छोड़े आपके हस्बैंड को देने के लिए. क्योंकि अब कैसा है कि जब नॉमिनेशन नहीं हुआ है ना, और 50-50 भी ऐसा हो गया कि एक प्रॉपर्टी में 50% हिस्सा आपका है और 50% हिस्सा आपके हस्बैंड का है. अब आप नहीं है वहां पे, या हस्बैंड नहीं है, दो में से एक नहीं है, तो जो 50% का हिस्सा बचा है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होगा. उसके लिए जो लीगल हायर्स बचे हुए हैं उनके सारे राइट किसी एक पे देना होगा, तो उसके लिए रिलीज डीड बना के ट्रांसफर करवाना. ओके जी. सर वो दूसरा जो सवाल जो था कि जैसे जॉइंट प्रॉपर्टी है हमारा और मैं एज ए प्राइमरी मेंबर, दो फ्लैट है मेरा, तो मैं दो एसोसिएट मेंबर मेरे दो बच्चों को कर सकती हूँ क्या, और वो दो जन इलेक्शन में खड़े रह सकते हैं क्या? दोनों अलग अलग फ्लैट के लिए आप बात कर रही हैं? हाँ, दो अलग फ्लैट है एक, मतलब बिल्कुल कर सकते. तो फिर सर वन मेंबर वन वोट का फिर क्या लॉ हो गया अगर हम ऐसे पकड़ के चले, अगर प्राइम अगर हम एसोसिएट मेंबर, मैडम एसोसिएट मेंबर अगर आएगा तो दो में से एक को ही वो राइट मिलेंगे वोटिंग के? नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड. अगर सब हम एसोसिएट मेंबरशिप नहीं करते हैं तो यूजुअली इलेक्शन में कैसे होता है, वन मेंबर वन वोट, राइट? राइट. अगर मेरे दो फ्लैट है तो भी, और मैं फर्स्ट प्राइमरी ओनर हूँ तो भी, मैं आई एम द ओनली ओनर सपोज, तो भी मुझे एक ही वोट कर सकती हूँ इरेस्पेक्टिव मेरे कितने फ्लैट मेरे नाम पे है ना? राइट. तो अगर मैं, वही मेरा भी सवाल है, मेरे दो फ्लैट है मेरे नाम से प्राइमरी मेंबर, मैं दो फ्लैट के लिए दो अलग एसोसिएट मेंबर कर रही हूँ मेरे दो बच्चों को, तो वो दोनों इलेक्शन में खड़े नहीं सकते हैं, तो वहां फिर दो हो गया, वो लॉ क्या कहता है? आई विल आंसर दिस सर, आई थिंक. ओके, अभी मैडम ने बताया कि मेरे दो फ्लैट है, फ्लैट नंबर 101 और 102, दोनों फ्लैट मैडम के नाम पे है. अब प्रश्न ये आता है कि 101 में आप मीटिंग अटेंड करते हो, 102 में मीटिंग कौन अटेंड करता है, आप करते हो या और कोई करता है? नहीं सर, मेरे दोनों फ्लैट के लिए मैं दोनों बच्चों को एसोसिएट मेंबर बना रही, मैं अटेंड नहीं करूंगा. मैं आपको जो पूछ रहा हूँ उसका मुझे जवाब दीजिए. आपका फ्लैट 101 है और 102 है, हाँ, दोनों में आप प्राइमरी मेंबर हो. हाँ जी. आपने एसोसिएट मेंबर भी बनाया नहीं, कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन तो अभी 101 के लिए कौन मीटिंग अटेंड कर सकता है आपके हिसाब से? मैं अटेंड करूंगी. 102 के लिए कौन कर सकता है? मैं खुद करूंगी. आप दो व्यक्ति तो हो नहीं, एक ही व्यक्ति हो. हाँ, तो आप एक ही जाके खड़े होगे ना. अभी समझो मानो आपका नाम अनीता है, तो 101 के लिए अनीता जाके खड़ी हो गई. 102 के लिए अनीता कैसे खड़ी होगी? हाँ, वोट करने के टाइम पे अनीता गई, वोट करा लिया, 101 का उंगली में निशान लगा लिया, हाँ, खत्म हो गया. अब 102 के लिए फिर से अनीता जाती है, वो बोलती है मेरा तो दो फ्लैट है, मेरा दो वोट होना चाहिए. तो आपको यहाँ पे उंगली पे वोटिंग के टाइम पे निशानी लगाने को मिलेगा क्या?
आपको नहीं मिल सकता है। जब आपको दो फ्लैट का एक ही वोट मिलता है, एक ही पोजीशन मिलता है, तो आपके प्राइमरी मेंबर को कानून को साइड में रखते हुए या कानून का मजाक करते हुए आप एसोसिएट मेंबर अगर दो अपॉइंट करते हुए तो उसको दो वोट नहीं मिल सकता, क्योंकि एसोसिएट मेंबर आपका प्रतिनिधि है, मतलब आप खुद ही हो वो चीज, आपके प्रतिनिधि होने के कारण आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि चलो ठीक है मैं 102 के लिए अनिल को भी बना देती हूँ एसोसिएट मेंबर, और सुनील को भी बना देती हूँ, और सुरेश को भी बना देती हूँ, और रमेश को भी बना देती हूँ। कानून में इस समय तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एक आदमी कितना एसोसिएट मेंबर बना सकता है, लेकिन कानून में यह लिखा है पक्का कि आपका प्रतिनिधि को आप अपना एसोसिएट मेंबर कहोगे। सही सही, आप चार प्रतिनिधि नहीं बना पाओगे। मैं तो अगर सब में मानो उदाहरण के तौर पे अपने फ्रेंड्स को ये बता दूं कि आपके फ्लैट के चार ओनर हैं, और अगर कानून में ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन एसोसिएट मेंबर बना सकता है, या कानून में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि कितने एसोसिएट मेंबर बना सकते हो, तो पहला वाला बोलता है मैं चार एसोसिएट मेंबर बनाता हूं, दूसरा वाला भी बोलता है मैं चार बनाता हूं वगैरह वगैरह। अब सारे में से 16 एसोसिएट मेंबर होते हैं, सब चारों ने चार चार बना लिए, 16 एसोसिएट मेंबर हो गए। अब आप किसको भेजना चाहते हो वहां पे, क्योंकि सबका हक हो गया वहां पे जाके करने का, राइट राइट। तो आपके 10 फ्लैट होंगे तो भी आपको एक ही वोट मिलेगा, आप उसको अलग अलग प्रतिनिधि बना दो, कुछ भी बना दो, फिर भी नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए दूसरी एक चीज भी बता दूं मैं, आपका फ्लैट में 101 अनिता का फ्लैट 101 है, अनिता का फ्लैट 102 भी है, दोनों में अनिता ही प्राइमरी मेंबर है। अनिता निकल लेती है, गुजर जाती है, मुरमुरा जाती है, और उसने जाने के पहले सिर्फ और सिर्फ फ्लैट नंबर 102 का नॉमिनेशन फॉर्म भरा, 101 का नहीं भरा। आप वो प्रोविजनल मेंबर बन गया 102 के फॉर्म के वजह से। अब प्रश्न ये आता है, टेक्निकल प्रश्न ये आता है कि आपका 101 जो है वो अनिता का है, वो गुजर गई तो वो अब वोट नहीं कर सकती है। आपका प्रतिनिधि जो है 102 में बैठा हुआ है, प्रतिनिधि मीन्स ये प्रोविजनल मेंबर, अब वो वोट कर सकता है या नहीं करता है, प्रश्न ही उत्पन्न होता है यहाँ पे। आपको क्या लगता है, क्या वो कर पाएगा वोट? आशीष जी आपको क्या लगता है? आई जस्ट रिपीट द टेक्निकल थिंग, मैडम ने प्रश्न पूछा है, कई लोगों के मन में ये ख्याल आते रहते हैं, प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं कि 101 में अनिता है और 102 में भी अनिता है, 101 में अनिता ने नॉमिनेशन नहीं किया हुआ तो वो वैसे ही पड़ा रह गया, उसमें ज्वाइंट मेंबर से वगैरह वगैरह वगैरह, सिर्फ 102 में अनिता ने नॉमिनेशन किया हुआ है, और 102 में नॉमिनेशन के प्रोसेस से उसका नॉमिनी को प्रोविजनल मेंबर बना देते हैं। आप प्रोविजनल मेंबर को वोट करने का, इलेक्शन लड़ने का, एजीएम मीटिंग में अटेंड करने का अधिकार है या नहीं? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है, ये दो प्रश्न निर्माण होते हैं। अभी इसका उत्तर ऐसा आता है कि मानो अनिता के सिर्फ एक ही फ्लैट होता, 101 ही होता, और नॉमिनी अपॉइंट किया होता, तो नॉमिनी को हर वो चीज मिलती जो अनिता को मिलता है, एक्सेप्ट फॉर लेना बेचना खरीदना लीजिंग का वगैरह वगैरह। तो ये टेक्निकल प्रश्न का उत्तर ये रहा कि 102 में अगर किसी ने प्रोविजनल मेंबर बनाया हुआ है तो उसको सारे अधिकार मिलते हैं मेंबरशिप पे सिर्फ। मैडम आपको और कोई प्रश्न है आपका? सर जॉइंट प्रॉपर्टी है हस्बैंड वाइफ के नाम से, तो हम दोनों बच्चों को नॉमिनेशन फॉर्म कर सकते हैं ना? सोसाइटी कहती है कि एक ही का नाम लिखना है नॉमिनेशन फॉर्म में। अपना अपना नॉमिनेशन फॉर्म कर सकते हो, अनिल है वो अपना खुद का नॉमिनेशन फॉर्म भरेगा अपने खुद के 50 रुपए के लिए, और अनीता जो उसकी बीवी है वो अपना खुद का फॉर्म भरेगी अपने खुद के 50 रुपए के लिए। नहीं नहीं सर वैसा नहीं, वो तो हम कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि नॉमिनी एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं। मैंने कहा तो नहीं, आप 50 एंट्री कर सकते हो, 50 नॉमिनी बना सकते हैं एक फॉर्म पे, कोई बंदिश नहीं है। थैंक यू। जैसे 50 ओनर बन सकते हैं वैसे 50 नॉमिनी बन सकते हैं, पर एक टेक्निकल यही रहेगा कि एक फ्लैट के पीछे सिर्फ एक ही एसोसिएट मेंबर बनेगा। एनीवे थैंक यू मैडम फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अश्विन।
एसोसिएट मेंबर के लिए जो एक्सपेंडेड फॉर्म भरने का है तो उसके लिए कुछ टाइम पीरियड रहता है कि नहीं? और जैसा अभी मैडम ने पूछा कि ना ये अपने मेंबरशिप एक और दो प्राइमरी प्लेट 101 और 102 तो दोनों पे वोटिंग एक ही मेंबर करेगा कि फिर अलग उसके लिए कुछ करना पड़ेगा? और एक क्वेश्चन ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी वाले को क्या मेंबरशिप मिल सकती है? सर जी पहला वाला क्वेश्चन का आंसर सुन लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन का थोड़ी देर के बाद में देखते हैं। आशीष जी उनका पहला प्रश्न। नहीं इसमें कोई टाइमलाइन नहीं होती सर एसोसिएट मेंबर बनाने के लिए। जब भी प्राइमरी मेंबर को लगेगा कि उसको जरूरत है एसोसिएट मेंबर की तब वो बना सकता है, इसके लिए कोई टाइमलाइन के वो नहीं है। और एक्सपेंडिचर फॉर्म जो 5 नंबर है वो एक ही बार भरना है? हाँ जी वो एक बार नंबर 7 के साथ भरना पड़ेगा। फॉर्म 5 और 7 दोनों अलग अलग बायलॉज में है शुक्रिन जी, कोई बायलॉ में 5 दिखाई देगा, कोई में 6 दिखाई देगा, कोई में 7 दिखाई देगा, तो बायलॉ के ऊपर डिपेंड है। अलग अलग एसोसिएशन अपना अपना बायलॉज छाप रहे हैं, वो उनका कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा नंबर स्टैटिक रखना है या फिक्स रखना है। तो आपके बायलॉज में आप चेक कर लीजिए कि एसोसिएट मेंबर का कौन सा फॉर्म है। सेकंड जो ये था ना आप बोले कि 101 और 102 का जो प्राइमरी मेंबर पावर ऑफ अटॉर्नी आपके जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं एग्रीमेंट पे वो अपना खुद का पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते हैं। जैसे मानो एक फ्लैट में दो ओनर है, एक अनिल है और एक सुनील है। अनिल अपना 50% का पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकता है और सुनील अपना 50% का पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकता है। और पावर ऑफ अटॉर्नी बनने के बाद में समझो अनिल अब्रॉड में रह रहा है लेकिन उसके पास इंडिया का पावर ऑफ अटॉर्नी इंडिया में रजिस्टर्ड है। पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर करना कंपल्सरी है बिकॉज इट हैज पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, रजिस्टर करना कंपलसरी है। 500 रुपया कोर्ट फी और रजिस्ट्रेशन 1000 रुपए। ये बना के दे के चला गया अनिल भाई अमेरिका चला गया, पावर ऑफ अटॉर्नी उसने आपको दे दिया। आप उस पावर ऑफ अटॉर्नी के दम पे आप अपना एसोसिएट मेंबर फॉर्म भर सकते हो खुद ही का और बाकी सब काम कर सकते हो। पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या क्या क्लॉजेस डले हुए हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो लिखना पड़ता है पावर ऑफ अटॉर्नी में, कि मैं इसको बेच सकता हूं, मैं इसको खरीद सकता हूं, मैं इसको गिफ्ट कर सकता हूं, या मैं इसको भाड़े पे चढ़ा सकता हूं, या मैं इस पे लोन ले सकता हूं, वगैरह वगैरह। जब तक स्पेसिफिक क्लॉजेस नहीं लिखे होंगे तो पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई मतलब नहीं रहता। और फाइनली जिस आदमी ने पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट किया बनाया आपको देकर गया, वो अगर किसी कारण से गुजर गया मर मरा गया तो पावर ऑफ अटॉर्नी नल एंड वॉइड हो जाएगा। फिर उस पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो है उस चीज उस पावर ऑफ अटॉर्नी को यूज नहीं कर पाता, फिर यूज किया तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है ओनर बेच सकता है कि नहीं बेच सकता? पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है और ओनर बेच सकता है नहीं बेच सकता है? पावर ऑफ अटॉर्नी देने का मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना हक देने के बाद में मेरा सारा हक खत्म हो जाता है। ओके तो ओनर का हक जो भी कुछ है इंटैक्ट रहेगा, बरकरार रहेगा, कायम रहेगा। और जो नॉमिनी प्रोविजन फॉर्म में उसका फी कितना है वो आप बायलॉस में चेक कर लीजिएगा सर जी। ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर इस्माइल शेख। मिस्टर इस्माइल हाँ हेलो सर। सर ऐसा है मैं मेरा भाई का ज्वाइंट है ना, मैं प्राइमरी मेंबर हूँ और ज्वाइंट है ना फ्लैट ओनर है तो उसका नाम सेकंड है। वो मेरा भाई मेरे को सारे आना वो देना चाहता है मतलब टोटल अपना 50% है तो उसके लिए क्या गिफ्ट कराना पड़ेगा सर? लॉ में बहुत सारे प्रोविजंस हैं जी इस्माइल जी, बट गिफ्ट डेट सबसे बेस्ट तरीका है। ओके आपके ब्रदर आपको अगर गिफ्ट डेट कर देते हैं जी उसके बाद वो जो प्रोसेस होता है आपका गिफ्ट डेट रजिस्ट्रेशन करवा के थैंक यू सर।
शेख साहब को धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मिस्टर राकेश मल्होत्रा आपका नेक्स्ट प्रश्न प्लीज। सर जैसे मैंने समझा था एसोसिएट मेंबर और ओरिजिनल मेंबर के बारे में, उस मैं भी गलत हो सकता हूँ। जैसे एसोसिएट मेंबर कमिटी में आने के बाद प्राइमरी नंबर उसको हटा सकता है लेटर देने के बाद, सेम थिंग प्रोविजनल मेंबर जब कमेटी में आता है और बाद में लीगल हेयर प्राइमरी नंबर होने के बाद प्राइमरी नंबर प्रोविजनल मेंबर को भी हटा सकता है कमेटी से। प्रोविजनल मेंबर का आपका जो सवाल है ना सर, हाँ प्रोविजनल मेंबर तो कौन है जो नॉमिनी है उसको से प्रोविजनल मेंबरशिप के लिए टेम्पररी बेसिस पे। हाँ। अब जो ओरिजिनल मेंबर है ही नहीं दुनिया में उसके बाद उसका बोलते ना कि उसने एंट्री की है, अब तब तक जब तक कि उसके लीगल हेयर्स जो ओरिजिनल मेंबर के लीगल हेयर्स नहीं आते हैं पिक्चर में और मेंबर्स बनते हैं, तो उनके मेंबर्स बनने के बाद इसका राइट सब खत्म हो जाता है। फिर वो ऑटोमेटिकली ही कमिटी से निकल जाएगा या जो प्राइमरी नंबर जो होता है बाद में लीगल है उसको कोई प्रोसेस है, वो सोसाइटी की जब मैनेजिंग कमेटी बैठेगी तो वो एक प्रोसेस छोटा सा प्रोसेस फॉलो करके और वो साइड में हो जाएगा। आई थिंक आशीष जी इनका प्रश्न ऐसा उत्पन्न हो रहा है कि अनिल भाई है प्राइमरी मेंबर, अनिल भाई ने अपॉइंट किया नॉमिनी सुनील भाई को जी, उसके बेटे को अपॉइंट किया लेकिन बेटे को अपॉइंट किया नॉमिनी बोल के, या लेटर से थोड़ा सा और इसको ट्विस्ट कर लेते हैं। अनिल भाई फ्लैट ओनर है, उसने पान वाले को नॉमिनी बना दिया, वो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है पान वाला बोलेंगे तो पान वाले का नॉमिनी बना दिया है ना। अब अनिल भाई का जो बेटा है सुनील, अनिल भाई अपना पान वाला नॉमिनी बन गया, कमेटी में भी आ गया, सब कुछ हो गया उसका। अब थोड़े दिनों के बाद में सुनील मतलब जो अनिल भाई का बेटा है वो आता है, वो कोर्ट से प्रोबेट लेके आ जाता है कि भाई ये तो फ्लैट मेरे बापूजी का है और ये मेरे नाम पे ट्रांसफर किया जाए, तो सोसाइटी में वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करता है, सोसाइटी जैसे ही उसको एडमिट कर लेती है जो प्रोविजनल मेंबर का अधिकार था वो अपने आप खत्म हो जाता है। उसी क्षण प्रोविजनल मेंबर का अधिकार खत्म, अगर वो चेयरमैन बना हुआ है तो चेयरमैन से बाय डिफैक्टो वो रिजाइन कर लिया, करे या नहीं करे लेकिन वो रिजाइन माना जाएगा उसको, उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। एक बार प्रोबेट हुआ या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ या रिलीज डीड एग्जीक्यूट हो गया फैमिली के आपस के लोगों के बीच में या फैमिली सेटलमेंट डीड एग्जीक्यूट हो गया तो प्रोविजनल मेंबर का अधिकार खत्म हो जाता है उसके अंदर। और कोई प्रश्न है राकेश जी? हाँ सर, एक टेक्निकल क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था लगता है, तो उसको कुछ आप सोल्यूशन मिला है क्या देख लेना। जैसे प्रोविजन एसोसिएट मेंबर बनाने के लिए लिमिटेशन रखा है 12 फैमिली मेंबर ही होना चाहिए, ना पान वाला नहीं कोई नहीं चाहिए, इसी बोथ दैट 12 मेंबर, तो प्रोविजनल मेंबर के लिए उन्होंने ऐसा क्यों छूट दिया कि पान वाला भी हो सकता है? हाँ, क्योंकि आपने दिल का रिश्ता बना लिया ना उससे, आप बॉम्बे से राजधानी में बैठ के दिल्ली जाओगे ना शाम को 5 बजे बैठोगे ना, तो इंसान की फितरत है कि 6 बजे तक आपके बगल वाले सीट के साथ में आपकी पक्की दोस्ती हो जाती है, फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हो, मिठाई खाना पीना एक्सचेंज कर लेते हो, उतरने के समय तक वो आपका सगा भाई भी बन जाता है, दिल का रिश्ता जिसको कहते हैं। तो वैसी सूरत में कानून में कोई बंदिश नहीं है कि आप उसको नॉमिनी नहीं बना सकते हो या आप उसको उसके नाम पे पूरी वसीयत नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपकी पूरी प्रॉपर्टी आप डोनेशन डीड करके उसको डोनेट भी कर सकते हो। तो एसोसिएट मेंबर को क्यों नहीं ऐसा बोला कि चलो पान वाले को भी एसोसिएट मेंबर बना दो? हाँ, इसके लिए आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना पड़ेगा, MLA बनना पड़ेगा। ओके सर, और असेंबली में जाके एक प्रश्न रेज करना है और फिर वहां पे समाधान ढूंढना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय माधव गोखले। हाँ, मेरा क्वेश्चन था जो 154 में बताया लीगल नॉमिनी जो होता है वो प्रोविजनल मेंबर बन देता है, बाद में लीगल है और सक्सेशन सर्टिफिकेट लाने के बाद में वो प्राइमरी मेंबर हो जाता है, लेकिन वो ओनरशिप नहीं होता है ना? ऐसा है ना? यस सर, यू आर करेक्ट। अच्छा, तो खाली अगर
लेकिन उसके पहले आपको अपने दोस्तों को ये बता दूं, समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को हिंदी में शायद अचल संपत्ति कहते हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट लागू नहीं होता है, आप सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं ला सकते। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लीगल हायर सर्टिफिकेट लागू नहीं होता है, तो वो भी आप नहीं ला पाओगे, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो लीगल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट से डिग्री लानी होती है, या तो प्रोबेट डिग्री लेकर आओ, या तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेके आओ, या फिर डिक्लेरेशन की डिग्री लेके आओ। इसी से सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। या आपस में बैठ के फैमिली के सर्वसम्मति से लेके, आप जैसे आशीष सर ने बताया, रिलीज डीड कर लो, सेटलमेंट डीड कर लो, वगैरह वगैरह, ऐसी टाइप की डीड्स बन सकती है। कुछ पूछिए माधव जी, आपका प्रश्न दूसरा। अच्छा, नहीं वो जो पार्टीशन डीड करे, अगर वाइफ और हस्बैंड के नाम से रहेगा, अगर वाइफ पहले जाने के बाद में 50% हस्बैंड का और 50% जो वाइफ का रहता है, हस्बैंड और सन का रहता है, तो 75% और 25% का डीड करा सकते हैं ना? यस सर, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था, जैसा शेयर सर्टिफिकेट में प्रोविजनल मेंबर, जैसा एसोसिएट मेंबर के बारे में पूछा था कि उसका नाम नहीं आएगा, वैसा ही लीगल सर्टिफिकेट जो आता है, तो प्रोविजनल मेंबर आता है, उसका शेयर सर्टिफिकेट में प्रोविजनल लिखना पड़ता है या नहीं, ऐसा कुछ बताया नहीं ना उसमें? अब मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मानो अनिल भाई का फ्लैट है, और अनिल भाई ने अपने एक रिश्तेदार उस सुनील, उसको नॉमिनी कर दिया, और उसने प्रोविजनल मेंबर के लिए अप्लाई किया, जो भी है, न्यूज़पेपर नोटिस है, इंडेमनिटी बॉन्ड है, 100 रुपए का फी है, मेंबरशिप एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप ट्रांसफर फीस भी भरना है 500 रुपया। दो फीस है सोसाइटी में, एक तो मेंबरशिप एंट्रेंस फीस है और एक मेंबरशिप ट्रांसफर फीस है। एंट्रेंस फीस 100 रुपया और मेंबरशिप ट्रांसफर फीस 500 रुपया। ये दोनों भरने के बाद ही सामने वाले को प्रोविजनल मेंबरशिप दिया जाएगा। जहां आपने मेंबरशिप ट्रांसफर फीस भरा, वहां पे शेयर सर्टिफिकेट में प्रोविजनल मेंबर का नाम दर्ज करना जरूरी है। आई रजिस्टर में भी दर्ज करोगे और प्रोविजनल मेंबर, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट में क्या लिखोगे आप वहां पे? अनिल शर्मा ब्रैकेट में नॉमिनी या प्रोविजनल मेंबर, ये आपको लिखना जरूरी है। वो क्यों लिखोगे आप? क्योंकि कल वो उठ के, मतलब 25 साल के बाद में कोई नहीं आता, क्लेम नहीं आता, तो भी 25 साल के बाद की जो मैनेजिंग कमेटी होगी वो भूल जाते हैं, और उस समय वो सुनील बोलता है, अरे अभी तो सब भूल गए, मैं इसको फ्लैट भेज देता हूँ, और शेयर सर्टिफिकेट में एंडोर्समेंट नहीं है नॉमिनी बोल के या प्रोविजनल मेंबर बोल के, तो जो खरीदने वाला उसको ये लगेगा कि अरे न्यूज़पेपर के नोटिस दिलवा देते हैं, उसे बॉन्ड ले लेते हैं, ये कर लेते हैं और फ्लैट खरीद लेता हूं। तो ये कानूनी गुनाह है, प्रोविजनल मेंबरशिप बेच नहीं सकता, पर नाम उसका आने के बाद शेयर सर्टिफिकेट पे उसको लिखना पड़ेगा वहां पे प्रोविजनल मेंबर करके। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर माधव फॉर जॉइनिंग इन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर योगेश पाटिल। हाँ नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जॉइंट मेंबर जो है उसको प्राइमरी मेंबर से परमिशन लेके ही मीटिंग अटेंड करना है कि विदाउट परमिशन भी वो अटेंड कर सकता है? आशीष सर। नहीं सर, उनको परमिशन तो लेनी पड़ेगी। आप ये समझ के चलिए, अगर इन पूरे सिनेरियो को हम एकदम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो जो प्राइमरी मेंबर है वो राजा है और बाकी के लोग प्रजा है, तो बिना राजा से पूछे वो आगे नहीं जाएंगे, चाहे वो प्रोविजनल मेंबर हो, चाहे एसोसिएट मेंबर हो, चाहे ज्वाइंट मेंबर हो। वो जब तक पहला वाला आदमी खड़ा है वहां पे है प्रोविजन में, तब तक बाकी के लोग जो है वो खाली इंजॉय कर सकते हैं, बाकी उनको राइट्स जो है, वोटिंग राइट्स और इलेक्शन राइट, वो सब हटाने पड़ेंगे। पहले आपको प्राइमरी मेंबर से कंसेंट टर्म्स पे वो 10A का फॉर्म फिल करवा के फिर उसके बाद आप आगे बढ़ सकते। मतलब मीटिंग अटेंड करने के लिए और इलेक्शन लड़ने के लिए, दोनों के लिए फॉर्म 10A ही भरना पड़ेगा? जी जी जी। अच्छा, और दूसरा एक क्वेश्चन था मेरा कि अगर एग्रीमेंट में कहीं पे भी कुछ लिखा नहीं है कि शेयर कितना होगा,
खाली दोनों के नाम है, प्राइमरी मेंबर एंड ज्वाइंट जो भी है और जो को ओनर है, तो उस सिचुएशन में उनके परसेंटेज कैसे गिने जाते हैं? कहीं पे अगर परसेंटेज नहीं दिखा हुआ है और ज्वाइंट मेंबरशिप मानी गई है तो ये बाय डिफॉल्ट 50-50 पकड़ के चले। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर फ्रांसिस डिसूजा। गुड इवनिंग सर, यू कैन हियर मी? यस प्लीज गो अहेड। ओके, in December 2021 my mother had passed away and my sister and myself were joint nominees for the flat. So what happened is because of COVID and all these things, I'm overseas, so, and sister is in Goa, so we couldn't come to do the paperwork. And then the secretary and the chairman had said that you just submit the indemnity bond and the application for membership of for the society membership, and should be good enough to become member. But in December, when we came down and we submitted indemnity bonds set and according to Appendix 17 by Clause 32 form for membership of society application. For membership of society with 100 rupees. After 1 month, they have come back and said, oh, you need to fill up the transfer form, get letter of administration from the High Court, as well as pay the dues. So I'm confused now why before they didn't tell, and now they are telling to do at the end moment. And there is redevelopment happening on the cards. All meetings are happening. So they want these things now. So my question to them was, how come all 1 year you didn't ask me these other forms? Only these two forms they had asked to submit, the indemnity bond and the membership application form. So are they asking this is the correct way or what? That's my question. Mr. D'Souza, what I have understood by your query and what I have understood how the society has done the work, might possible that society doesn't know actual process of law. Correct. As per your submission, what I can understand. It happens in many societies that people are not aware with the law, and what they do that they discuss themselves only, and whatever the conclusion they come, they just amplify on the members. So what they have done earlier is completely bad in law. They cannot make you member in the way what they have done earlier. Later on they are just correcting themselves, because might possible they have got some information from some advocate or legal expert. Exactly. So the second part what they are doing is now correcting themselves. Okay. In your process, continue. Your situation, you and your sisters both are nominee. Right? Yes, yes. And now mom, who is a 100% shareholder, is no more. No more. Right. So now being a nominee, either you or your sister can apply for a provisional membership very first thing. For the same thing, they had asked you to file an indemnity bond, and a few more forms are there. So either you or your sister, any of you, with given consent to each other, if your name is in nominee form, stands first, then you become a provisional member, and she will remain as a nominee. Okay. Once you become a provisional member, then you can pay the dues, take part with the day-to-day routine, whatever the society is going through. And side by side, you need to, if there is a will, then you should go for probate. And after probate, you will get the, after the process, you will become a member of that society. And your sister will remain a nominee on share certificate. Oh, okay. So actually what happened in April last year, I had already given them in writing to make us the provisional member. It seems they are not aware that there is something like this.
and they have not replied at all to that letter by email I had sent. Not replied at all. And every time they are insisting indemnity bond banao aur submit karo and ho jayega, ho jayega. And I also requested Mr. D'Souza. Yes. You forget about that provisional member. Hmm. If everything is amicable in your family, if there is a mutual consent understanding, when you execute a release deed, there is no need of probate, there is no need of LA, there is no need of provisional member. Okay. Executing and registering a release deed will take only 2 days. Wow, okay. Only 2 days, 1 day for drafting and the second day for registration. Okay. The expense is also going to be very, very minimal. Okay. Don't think of running around here, there. Okay. If your society people are ignorant, let them be ignorant. Okay. But now since you know about this thing, you execute your release deed with all the family members who are connected with the deceased member. Yeah. Since we are only two. Yeah, only two of us. That will be much simpler. Thank you, Mr. D'Souza, for joining in. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. Mr. Next question is by Bala Sahib. You are there, Mr. Bala Sahib? Yes, sir. Yes, sir. Sorry, I was on mute initially. No problem, sir. Go ahead. Question. Primary owner and joint owner, दो owner अगर रहते हैं तो दोनों का individual nomination single form में ही बनता है दोनों का नाम डाल के मतलब दोनों का individual भरना पड़ता है दोनों के अलग अलग share के हिसाब से दोनों को अलग अलग form भरना पड़ता है अलग अलग pay करना पड़ता है okay. Second question is sir जब nomination form भरने के बाद जब पर्सन की अगर डेथ हो जाती है उसके बाद ही वो प्रोविजनल मेंबर बनता है उसके नाम का शेयर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है ना उसके पहले तो उसका शेयर सर्टिफिकेट बनना ही बनता है बिकॉज़ एट दैट टाइम वो मेंबर नहीं रहेगा आपका प्रश्न आप घुमा के पूछिए दूसरे तरीके से पूछिए सेम प्रश्न इन अनदर वे सेकंड क्वेश्चन क्या है कि प्राइमरी ओनर की अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी जो नॉमिनी डिक्लेयर किया है वो अपना प्रोविजनल मेंबर बन जाएगा जब तक कोई उसका लीगल नहीं आएगा ओनरशिप को तब तक वो प्रोविजनल मेंबर रहेगा उसके बाद उसका शेयर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है या इनिशियली जब उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किया एट दैट टाइम हमको उसका प्रोविजनल मेंबर का शेयर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है नहीं नहीं वो आफ्टर डेथ जब वो एप्लीकेशन डालेंगे ना प्रोविजनल मेंबर्स बनने के लिए तब तक तो नॉमिनी है आपके शेयर सर्टिफिकेट वो नॉमिनी है लेकिन जब डेथ हो गई तो नॉमिनी ही एक एप्लीकेशन करेगा सोसाइटी को कि अब मुझे आप प्रोविजनल मेंबरशिप बनाओ प्रोविजनल मेंबरशिप दो तो वो करने के बाद जब वो पूरे प्रोसेस फॉलो कर लेंगे उसके बाद वो शेयर सर्टिफिकेट पे प्रोविजनल मेंबर करके स्टैंप हो जाएगा ओके सर थैंक यू मिस्टर बाला साहब नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर लक्ष्मण राज थैंक यू सर सर मेरा एक क्वेश्चन है जो प्रोविजनल मेंबर है वो रीडेवलपमेंट में डीए वगैरह सही कर सकते हैं डीए और पी ट्रिपल ए कैन प्रोविजनल मेंबर साइन द डीए एंड पी ट्रिपल ए प्रोविजनल मेंबर हैज गॉट नो राइट प्रोविजनल मेंबर हैज गॉट नो राइट तो रीडेवलपमेंट में डीए और वो सही नहीं कर सकता उसको वो खरीदना बेचना नहीं कर सकता है मॉर्गेज नहीं कर सकता है भाड़े पे नहीं दे सकता है गिफ्ट नहीं कर सकता है डीए पे साइन नहीं कर सकता है पीएए पे साइन नहीं कर सकता है वो एक खाली स्टॉप गैप टेम्परेरी पोजीशन है उसके पास में तो अभी वो फ्लैट का डीए पे सही कौन करेगा फ्लैट नंबर 102 पे कौन सही करेगा जो ओरिजिनल मेंबर है उनके वारिसदार उनके वारिसदार का ओरिजिनल डेथ हो गया तभी तो ये नॉमिनी आया तो नॉमिनी के हैसियत से नहीं कर पाएगा उसको कोर्ट से जाके डिग्री लाना पड़ेगा कि मैं इस फ्लैट को मेरे को मालिक घोषित करूं नहीं वो अटक गया है प्रोबेट अटक गया उनका उनके सिस्टर ने प्रोबेट में अड़चन डाला है आई एम वन ऑफ द वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है लेकिन कानून ये बोलता है कि अगर मालिकाना हक चाहिए तो सिर्फ लीगल वारिसदार ही उस चीज पे डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकते हैं जब तक अटका हुआ है तब तक ओरिजिनल मेंबर या प्राइमरी मेंबर या प्राइमरी ओनर उसी का हक बना रहेगा हमेशा के लिए तो पीए साइन नहीं होगा पर रीडेवलपमेंट रुकेगा नहीं लेकिन जब फ्लैट अलॉट होने की बारी आएगी उस समय चाबी देने की बारी आएगी तो तब तक कोर्ट का डिग्री आ चुका होना चाहिए या तो वो चाबी सोसाइटी की कस्टडी में पड़ी रहेगी प्रोविजनल मेंबर का उस फ्लैट में
रहने का हक डिफाइन नहीं किया हुआ कहीं पर भी। थैंक यू मिस्टर रमेश नायडू। Yeah, so as you said, the provisional member cannot occupy the property, right? Or stay, occupy the flat and stay in the flat, right? Yeah, that's what I understand. Ashish ji? The provisional member can stay. They cannot sell it, neither he can rent out. So if there is no consent formed, and since he is a provisional member, then he will enjoy the flat, right? Let me answer this thing, Mr. Naidu, on a technical perspective. There is this fellow Anil Bhai, who is the owner of the property. He was going to Delhi one day. In that train, he met Sunil Bhai. And he became too friendly with him. He took his name, address, telephone number, malum pada ki wo to next building mein rehta. Itne strong dosti ho gayi, itne strong rishtedari ho gayi usse, ki usne usko provisional member bana diya. नॉमिनी बना दिया। अनिल भाई की खुद की बीवी है और चार बच्चे हैं जो उसी फ्लैट में रह रहे हैं। नो अकॉर्डिंग टू यू आई हैव एक्सप्लेन्ड ए लिटिल टाइम बिफोर बट स्टिल आई विल आस्क यू अगेन कि आपको क्या लगता है कि जो प्रोविजनल मेंबर है जो नॉन फैमिली मेंबर है एक्चुअली बाहर दोस्त है उसका वो आके क्या बोल सकता है उस अनिल भाई की बीवी बच्चों को कि भाई बाहर निकलो मैं प्रोविजनल मेंबर हूं तो मुझे फ्लैट में रहना चाहिए। आपको क्या लगता है नायडू साहब? No, he cannot do it. And since the flat is vacant, he will thought that because I'm a provisional member, I will stay and enjoy the flat. Okay, I'll tell you what is the definition of a provisional member. Provisional member is that person who is like a chowkidar. आपके जो बिल्डिंग के नीचे जो चौकीदार है फ्लैट के नीचे जो आपके बिल्डिंग है वो चौकीदार है केयरटेकर है वो केयरटेकर सर्वेंट है वो ट्रस्टी है वो। That can we stop now? You occupying the flat, sir? The law does not tell the security watchman, does not give right to the security watchman कि अपने मालिक का property वो occupy करे। He will हमेशा remain that provisional member होंगे। He will हमेशा remain that चौकीदार। He will हमेशा remain that as a trustee. Right. अभी now one of since the उनका जो ओरिजिनल मेंबर का जो बच्चे हैं और बाहर रहते हैं स्टेज इन अमेरिका एंड दिस फेलो बीइंग अ नॉमिनी कैन ही ब्रिंग द कोर्ट डिग्री एंड नो डू चेंज एवरीथिंग टेक द ओनरशिप। कोर्ट डिग्री लाने के लिए उसको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं इसका लीगल वारिसदार हूं या मृतक व्यक्ति ने आपको या उसके नाम पे वसीयत कर रखी है। हाँ तो उधर विल नहीं है सर विल नहीं है और जो उनके बच्चे हैं बाहर है तो ये एक नॉमिनी इधर है इंडिया में जैसे आपने बताया कि कोर्ट में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके और कोर्ट डिग्री लेकर आ सकता है देन ही बिकम अ लीगल मेंबर। सिर्फ वारिसदार कोर्ट डिग्री ला सकता है अगर नॉमिनी वारिसदार है तो लेके आ सकता है लेकिन अगर वो नॉमिनी की हैसियत से अप्लाई करेगा तो वो हमेशा नॉमिनी ही बना रहेगा। अगर वो नॉमिनी लीगल हायर की हैसियत से अप्लाई करना चाहता है तो उसको कोर्ट की डिग्री लानी होगी। अभी दो लीगल हायर है एक इलीगल हायर इंडिया के बाहर रहता है और एक लीगल हायर नॉमिनी बनकर बैठा है और जैसे आपने बताया कि वो कोर्ट डिग्री लेकर आ सकता है तो और जो बाहर है इंडिया के बाहर तो उसको तो पता भी नहीं चलेगा सर। सर जी कोर्ट डिग्री एक मजाक नहीं है उसमें काफी डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं। गलत डिक्लेरेशन दिया तो कम से कम 3 साल की मुफ्त जेल भी है लॉजिंग बोर्डिंग। वो मजाक मत समझिए उस चीज को आप। वो नहीं बताया फॉल्स डिक्लेरेशन किया तो उसको क्रिमिनल सजा भी हो सकती है। एनीवे मिस्टर नायडू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। हेमंत जी जस्ट अ सिंगल क्वेश्चन विद दिस सेम रिलेटेड क्वेरी। यस सर द फ्लैट इज वैकेंट एंड द पर्सन हु इज एडमिटेड एज अ प्रोविजनल मेंबर Society is taking all the dues and maintenance from him. Does not mean he cannot occupy the flat for a temporary period also. Because obviously he is paying the maintenance, all the dues society is taking. With written consent or might possible with indemnity bond. Even if the flat is vacant, Ashish sir,
एंड द नॉमिनी इज ए फान वाला इन ही द नॉमिनी इज नॉट विद इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली. फैमिली कौन है वो बायलॉ नंबर 226 में लिखा हुआ है. तो अगर नॉमिनी 226 के अंतर्गत में नहीं आता है तो इसका मतलब वो आउटसाइडर है, पान वाला है वो. अब प्रश्न ये आता है कि वो पान वाले को जो फैमिली मेंबर नहीं है 226 के अनुसार, अगर वो प्रॉपर्टी पे रहता है तो उसको अधिकार कहां से मिल गया. अभी मैंने मेरे वॉचमैन यादव जी को बोला कि भाई आप मेरे नॉमिनी आपको घोषित करता हूं, आप नीचे सिक्योरिटी का काम करते, हम लोग हर हमेशा साथ में चाय वगैरह पीते, तो आप तो क्या उसका अधिकार बन जाएगा वहां पे रहने का. वो 12 साल तक रहा तो बोलेगा अरे मैं तो अभी एडवर्स पोजीशन में आ गया इसके अंदर. सर विथ माय बेस्ट नॉलेज मुंबई हो चाहे और भी आउटसाइड भी हो, कोई भी ऐसे अरे गैरों को तो अपना नॉमिनी नहीं करता है. जैसे अगर मैं हूं तो मैं मेरे बेटे को नॉमिनी बना दूंगा, बेटी को नॉमिनी कर दूंगा. इन दैट केस जैसे हस्बैंड है तो वाइफ को नॉमिनी कर देते हैं. तो आई एम टॉकिंग इन दैट सेंस कि अगर आपका ब्लड रिलेशनशिप है जिनको आपने नॉमिनी किया हुआ है. Well, आपकी जानकारी के लिए, दोस्तों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारतवर्ष में 90% केसेस जो कोर्ट में चल रहे हैं वो प्रॉपर्टी रिलेटेड ही है और बाकी सब छुट्टे केसेस चल रहे हैं. यही कारण है कि वो क्लेम करता है नहीं तो वो तो मेरा चाचा मामा भांजा था, उसने तो मेरे नाम पे वसीयत कर रखी, जाली वसीयत कर रखी है, या उसने मेरे को रहने का अधिकार दे दिया तो मेरा दावा हो गया उस फ्लैट के ऊपर. लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए अगर देखा जाए, जैसे अभी हिंदू सक्सेशन एक्ट में देखा जाए तो पहला हक किसको आता है, वो क्लास वन लीगल हायर को दर्शाया हुआ है कि भाई कौन है क्लास वन लीगल हायर. माता जी हो गई, पत्नी जी हो गई, बच्चे हो गए, एंड सो एंड सो. लेकिन लीगल हायर अगर एक नॉन फैमिली मेंबर है और वो ऑक्यूपाई करता है और सोसाइटी के जानकारी में है कि भाई ये बायलॉ नंबर 226 के अंतर्गत नहीं आता है और वहां पे रह रहा है, तो उसको दोनों के पेन से चार्जेस भी लगाना होगा. तो टेक्निकल प्रश्न है, कानूनी लूपहोल है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विक्रांत जिंदल साहब. यस सर, प्लीज गो अहेड. सर डेफिनेशन ऑफ, अभी जिस तरह से दुबे साहब ने बताया कि अमेंडमेंट 2019 में डेफिनेशन ऑफ प्रोविजनल मेंबर आ गया था, मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ क्वेश्चन टू द नॉमिनी प्रेजेंटर. अभी सेकंड है कि जैसे प्रोविजनल मेंबर 2019 में आया तो जो नॉमिनेशन हो चुके हैं 76 में, 82 में, 92 में, उनमें उन्होंने प्रोविजनल मेंबर लिखी है जगह पे, जैसे नॉमिनी लिखा हुआ कुछ नहीं लिखा हुआ है. तो क्या सोसाइटी को अभी ये रेस्पेक्ट है कि सब आशीष सर? यस सर, जिंदाल सर, ऐसा है आपका क्वेश्चन जो मैं समझ पाया हूँ कि 2019 में अमेंडमेंट हुआ है कि जो नॉमिनी है उसको आप प्रोविजनल मेंबरशिप करके आप उसको एडमिट करो एज अ मेंबर और केयरटेकर के हिसाब से उसको आगे बढ़ाओ. आपका क्वेश्चन है कि 2019 से पहले जो लोग नॉमिनी में थे उनके लिए भी ये सेम प्रोसेस में जाएगा क्या? तो यस सर, उसके लिए भी ये सेम ही चीज चलेगी, क्योंकि बात सिर्फ है कि जो लोग नॉमिनी हैं आपके शेयर सर्टिफिकेट में, जिनको आपने नॉमिनी बना के रखा है, उनको एक अलग से एक स्थान दे दिया है कि उनको एक प्रोविजनल मेंबर करके, पहले नॉमिनल मेंबर करके बोलते थे जो नॉमिनी करते थे, उसी का खाली नाम चेंज करके उनको थोड़े से अधिकार और दे दिए. तो अगर आप पहले की बात कर रहे हैं, चाहे 1990 हो, 2000 हो, और 2019 के पहले अगर आपने किसी को नॉमिनी बनाया हुआ है, तो ये जो लॉ है, ये जो एक्ट है, ये खाली नॉमिनी से रिलेटेड बात करता है, ये बात नहीं करता कि कब आपने किया है क्या नहीं किया है. तो जो आपके नॉमिनी है वो तब भी वही थे, आज भी वही है, खाली उनका स्थान चेंज करके उनको थोड़ा सा और थोड़ा सा एक बेटर बोलते हैं ना, एक ब्यूटिफिकेशन करके एक अच्छा सा नाम दे दिया है ताकि उनको लगे कि हम भी सोसाइटी के मेंबर हैं, और उनसे आप डे टू डे रूटीन आप मेंबरशिप के जैसे आप चार्जेस लेने हैं या केयर टेकिंग करवाना है वो सारे करवा सकते हैं, जब तक कि ओरिजिनल लीगल हेयर्स नहीं आ जाते हैं फोटो में. जुबान साहब, आप वकील हो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ. शेयर सर्टिफिकेट में अनिल भाई, सुनील भाई दो नाम लिखे हुए, उसने शेयर सर्टिफिकेट में नाम लिखवाने के लिए शेयर कैपिटल भी दे दिया, जो 250 रुपए शेयर कैपिटल है वो भी दे दिया,
कि वो नाम लिखवाने के लिए कौन सा दस्तावेज कौन सा डॉक्यूमेंट देखने के बाद में आप शेयर सर्टिफिकेट पर उसका नाम दर्ज करोगे? मेरा प्रश्न ही आपसे एग्जैक्टली। तो अगर टाइटल ओनर जिसके नाम पे एग्रीमेंट है सिर्फ उसी का नाम अगर शेयर सर्टिफिकेट पे आ सकता है, आपने भी खुद ही कंफर्म किया, ये एग्री टू इट सर जी? आशीष जी एग्री सर? मोरे साहब, मोरे साहब इज ऑल्सो एन एडवोकेट? यस सर राइट। ओके राइट सर। म्यूचुअल मेंबर है क्या उसका नाम एग्रीमेंट में है, क्या उसे 250 रुपया शेयर कैपिटल दिया हुआ है? तो जो पहले नाम आप डाला करते थे वो गैर कानूनी था क्योंकि आपने अभी कंफर्म किया कि एग्रीमेंट में जिसका नाम है सिर्फ उसी का नाम शेयर सर्टिफिकेट पे डालोगे। तो अनिल है, सुनील है, सुरेश का नाम एग्रीमेंट पे नहीं है। तो मेरा आपसे अभी सेकंड प्रश्न है कि सुरेश का नाम आप शेयर सर्टिफिकेट पे उस समय या शुरू के समय या कोई भी समय में क्या आप एंडोर्स करोगे, यस और नो? नो सर, क्योंकि जब नॉमिनी बना है तब बनाएंगे उसका नाम, जब उसकी डेथ होगी तभी आदमी बनेगा, जैसे तभी उसका नाम आएगा। तो ये जो लीगल लेकुना को हटाने के लिए सरकार की जब बिजली चमकी तो बोला 2019 में स्पेसिफाई करो साहब उसको, लेकिन उसके पहले आप शेयर सर्टिफिकेट पे नॉमिनी का नाम एंडोर्स नहीं कर सकते थे क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट इज ओनली एंड ओनली विल रिफ्लेक्ट ओनली द टाइटल ओनर्स और द एलॉटी। अब माडा की बिल्डिंग है तो एलॉटी का नाम आएगा, उसके अंदर टाइटल ओनरशिप का डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। मोरे साहब बरोबर है कहा गोष्ट? यस सर, यस सर। आशीष सर योर कमेंट ऑन दिस थिंग? विच वन सर? टाइटल ओनर का ही नाम शेयर सर्टिफिकेट पे आएगा कि नॉन टाइटल ओनर का भी आ जाएगा? अगर नॉन टाइटल ओनर का आ जाता है तो नॉमिनी का नाम शेयर सर्टिफिकेट में पहले के जमाने में कैसे डाल दिया गया था? सर एज पर द ओल्ड सेक्शन 30 नॉमिनी इज टू बी ट्रांसफर इन अप्लाइड। मोरे साहब माझा प्रश्न असा आहे, जैसे जिंदाल साहब से पूछा मैंने, एग्रीमेंट में जो नाम है उसी का नाम शेयर सर्टिफिकेट पे चढ़ेगा? यस डेफिनेट। अनिल भाई और सुनील भाई राइट, सुरेश भाई का नाम एग्रीमेंट पे नहीं है राइट। अभी मेरा प्रश्न आपसे ये है कि सुरेश का नाम जिसका नाम एग्रीमेंट में नहीं है क्या उसका नाम आप शेयर सर्टिफिकेट में एंडोर्स करोगे? डेफिनेटली नॉट। डेफिनेटली नहीं करेंगे। नहीं करोगे? और वो क्यों नहीं करेंगे सर जी? क्योंकि उसका सेल डेट में या इसमें नाम नहीं है, मतलब आपने उसे शेयर कैपिटल भी नहीं लिया वहां। राइट सर। अभी पहले के जमाने में जब नॉमिनी का नाम नहीं था एग्रीमेंट पे, नॉमिनी का नाम नॉमिनी ने शेयर कैपिटल नहीं भरा तो शेयर कैपिटल तो खाली जो शेयर सर्टिफिकेट है तो शेयर कैपिटल वाले को इश्यू होता है। बराबर है। आपने तो शेयर कैपिटल भरा नहीं एज ए नॉमिनी, तो आपके नाम पे कैसे इश्यू होगा? और क्या पुराना सेक्शन 30 में ये लिखा था क्या कि उसका नाम एंडोर्समेंट होना चाहिए शेयर सर्टिफिकेट में? उसपे बट मेरे को लगता है उसमें लिखा था सर, मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। मेरे जानकारी में जितना है उधर शेयर सर्टिफिकेट पे नाम लिखना का वर्णन नहीं दिया हुआ है। उसमें लिखा है ना, जब वो नॉमिनी बनाते हैं तो उसको उसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में आ जाए आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंबर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके मोरे साहब बोलिए। उसमें तो लिखा था ना सर कि जब अगर डेथ होती है ओरिजिनल मेंबर की तो शेयर सर्टिफिकेट में जिसका नॉमिनेशन का नाम लिखा है उसके ऊपर फ्लैग चढ़ जाता है, मतलब उसका शेयर सर्टिफिकेट पे नाम आ जाता है एज पर द ओल्ड सेक्शन 30 व्हिच इज नॉट इन द दिस थिंग। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, इस पे आई विल रिक्वेस्ट आशीष सर टू स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट इन फ्यूचर, बट आज के लिए छोड़ देते हैं। मेरा ऐसा कहना है कि अगर अनिल भाई सुनील भाई का टाइटल डीड पे नाम है तो उसका नाम ही शेयर सर्टिफिकेट पे आएगा क्योंकि उन्होंने शेयर कैपिटल दिया है। आपका नॉमिनी का नाम शेयर सर्टिफिकेट पे किस हिस्से से एंटर करोगे? आपने उसमें लिख दिया मिस्टर प्रकाश ब्रैकेट पे नॉमिनी, राइट? वो आपको लिखना उस जमाने में जरूरी था, लोगों लोग में ज्ञान था नहीं थी उस समय, ज्ञान नहीं था इसके लिए नहीं लिखा।
प्रकाश जी के लिए मैं एक छोटी सी और जानकारी एक लाइन में दे देता हूँ सर। सोसाइटीज ऐसी है प्रकाश जी जहाँ पे मैनेजिंग कमेटी को नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या करना है। तो एज आई सेड ना कि मैं जान रहा हूँ कि वो शर्मा जी के लड़के हैं, शर्मा जी अब गुजर गए, तो शर्मा जी के लड़के लेकर आए डेथ सर्टिफिकेट, एक एप्लीकेशन दिया तो मैंने उनका नाम चढ़ा दिया। तो बहुत सी सोसाइटीज में ऐसा भी चलता है, तो लोग इसी चीज को कॉन्ट्रडिक्टरी करते हैं कि अरे हमारे टाइम पे तो कर दिया था, अभी आप नया रूल कहां से बता रहे हो। वी कैन नॉट से इट कि कौन क्या करता है, व्हाट वी एज अ लॉ ये प्रैक्टिस में हम तो यही कह सकते हैं कि जो लॉ के हिसाब से है वो ये है। बाकी अगर आपकी सोसाइटी बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी आपका नाम चढ़ा देती है शेयर सर्टिफिकेट पे, तो आप तो लड्डू बाटी है, फिर तो आपसे फिर क्या बोल सकते हैं फिर। तो मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा कि शेयर सर्टिफिकेट नाम जो करता है वो दस्तावेज में लिखा जाता है बाय नॉमिनी, और ये उनका आइडिया कहने के लिए मेंबरशिप ट्रांसफर की ले रहे हैं, क्योंकि अभी मेंबरशिप ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट से दूसरे आदमी को मेंबर हमने बना लिया है, तो ऑन दैट बेसिस एंड थ्रू व्हाट प्रोसेस बनाया गया, थ्रू नॉमिनेशन डिस्क्रिप्शन मैथड में और ओरिजिनल मेंबर के नीचे उसका नाम लिखा जाता है, स्लाइड ट्रांसफर में लिंक हो फिर बैकेंड में नॉमिनी लिखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप ट्रांसफर की। और सर ये जो सोसाइटी में हुआ इंसिडेंट वहां के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर में नाम ही लेना चाहूंगा, फ्रॉम द लीडिंग सॉलिसिटर फर्म, नाम बड़े दर्शन सोते लीडिंग सॉलिसिटर फर्म, कैन यू से दैट टू देम आशीष जी, व्हाट डू यू से? नहीं सर, नो कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विनीता बियानी। सर वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम सो वी विल हैव टू आस्क ए वेरी स्मॉल क्वेश्चन। सर मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम पे फ्लैट है, फ्लैट में मैं सेकंड होल्डर हूँ, और मेरा और मेरे हस्बैंड के नाम पे क्लिनिक है, क्लिनिक में मैं फर्स्ट ओनर हूँ। ओके, अभी जब तक कि सब ठीक रहता है तब तक ठीक है सर, लेकिन अगर सपोर्ट कुछ अनबन हो जाती है हस्बैंड और वाइफ में, तो उस समय क्या करना चाहिए सर अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, वो एक क्वेश्चन। और सेकंड सर, मेंटेनेंस बिल में जॉइंट नेम में पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं सिर्फ पहले। ओके सर, फिर वक्त बचा तो दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे। ओके सर। आशीष सर, विनीता जी एक लाइटर नोट पे क्वेश्चन रहेगा मेरा, हाँ। हो चुकी है, होने वाली है, हो चुकी है, लेकिन अभी उसका सॉल्यूशन ढूंढ रही हूँ मैं। इसमें ऐसा है ना विनीता जी कि जैसे आप 50-50% के शेयर हैं, हाँ, फ्लैट में और आपके क्लिनिक में, दोनों जगह दोनों के इक्वल राइट्स हैं। करेक्ट। टाइटल ओनर दोनों 50-50% है। करेक्ट। रिस्पेक्टिव कि वहां पे वो प्राइमरी मेंबर है, आप ज्वाइंट मेंबर है, और यहाँ हाँ। पे आप प्राइमरी है, वो ज्वाइंट है। एज पर जो प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है दोनों इक्वली आप राइट शेयर है। करेक्ट। लेकिन सर ही इज डूइंग बॉसिज्म एवरीवेयर, ओवर हियर आल्सो एंड ओवर देयर आल्सो, सो हाउ आई कैन प्रोटेक्ट माय राइट्स, बिकॉज ही बीइंग मेल ही हैज मोर पावर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है विनीता जी, ये मेल को पावर ज्यादा क्या है, ऐसा तो है ही नहीं हमारे इस वेबिनार में जितने मेल हैं आप उनसे कंफर्म करवा लीजिए कि डू दे हैव मोर पावर इन देयर हाउस और वाइफ हैव मोर पावर, फिर मेरे घर में शायद अलग होगा सर। ठीक है, एनीवे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आपके राइट्स जो है ऑलरेडी सेव दी है, आप क्योंकि टाइटल ओनर हैं, आपके राइट सेफ ही है। अगर आपको घर से निकाला जा रहा है या क्लिनिक से बाहर निकाला जा रहा है वो तो पॉसिबल नहीं है करना, बिकॉज यू हैव 50% शेयर होल्डर। पर इट इज बीइंग डन सर बाय प्रेशराइजिंग, बाय हिटिंग, बाय डूइंग एन नंबर ऑफ थिंग्स, ये जो है ना, फिर तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का ये मैटर बनता है, एंड विच हैज नो रिलेशन विद दिस टॉपिक टुडे। आपके खाली जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आपके हाँ। जो राइट्स है ना वो सेफ है। ओके। आपके राइट्स हमेशा सेफ है जब तक कि आप वहाँ के 50% शेयर होल्डर है। ओके। इट्स नॉट लाइक कि आप अगर उस घर में नहीं रह रहे हैं
आप क्लेम पे नहीं रह रहे तो आपके राइट्स चले गए। ऑन पेपर आपने वहां पे जो शेयर होल्डर करके रखा हुआ है 50% आपके राइट्स बनते हैं, उसको आप अपने हिसाब से डिस्पोज कर सकते हैं एनी टाइम। ओके मीनूरा जी, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ सर बोलिए। आपने एक फ्लैट लिया 101 सौ रुपए का। हाँ। वो 100 रुपए आपने भरा, आपके पति जी ने भरा, या दोनों ने 50-50 रुपए भरा? एक प्रश्न ये है। एक मिनट। ओके। दूसरा प्रश्न है कि फ्लैट 101 किसके इनकम टैक्स रिटर्न में दर्शाया गया हुआ है? ओके, दोनों के इनकम टैक्स रिटर्न में दर्शाया हुआ है, क्योंकि दोनों की इनकम से फ्लैट भी खरीदा हुआ है, दोनों की इनकम से शॉप भी खरीदा हुआ है, पर ऑफकोर्स द पेमेंट रेशियो इज नॉट सेम। ओके, डिपेंडिंग ऑन द पेमेंट रेशियो यू कैन क्लेम योर प्रॉपर्टी, ओके, बाय फाइलिंग अ पार्टीशन सूट इरिस्पेक्टिव द फ्लैट के आज के दिन में क्या है क्या नहीं है पोजीशन। सो यू विल आइदर बाय आउट हिज शेयर और ही विल बाय आउट योर शेयर। दैट इज वॉट यू कैन अचीव इफ यू फोरसी दिस कैन बी डन। But presuming if you had paid 100% amount, presuming, and if your name reflects in the ITR, if 10 flat reflects in the ITR of Vinita, ITR for our friend means income tax returns. Correct. You will be able to claim 100% title ownership, and you can ask him to simply quit from that property based on your agreement, which shows that you paid 100 rupees based on your ITR, which shows property 100 in your assets. So kindly confirm this thing with your records. And even if he have paid whatever ratio, you can still claim partition of the property. You can file it now or you can file it after an event, whatever happens. Not a question. Okay. And if you still have any technical queries on this thing, you may contact our panel of lawyers. CHS Help Forum is our panel of lawyers. We will try to do whatever is possible. Okay, sir. And secondly, sir, in the maintenance bill, our society where this flat is there is not adding my name in the maintenance bill. I being a title owner, though I am a second joint holder in the property. Typically, only the first title owner's name is reflected in the maintenance, most societies. But then in my where my shop is there, both our names are there. So the rules are different for different maintenance. That is why I use the word cooperative society's law. There is no law for this thing. That is why I use the word typical. Okay. Typical. So you can insist on it. You can petition your registrar, cooperative registrar. Okay. To issue directions to the society. Okay. It may be done. Anyway, okay. Thank you, Vinita ji, for joining in. Thank you, sir. Okay, next question is by Himanshu. Mr. Himanshu, are you there? Next question is by Mr. Sunil Mane. हाँ, मैं जिस फ्लैट में रह रहा हूँ वो मेरे पिताजी के नाम पे, और पिताजी का डेथ हो गया है, और मेरे मम्मी और मेरे जो भाई है वो अदर फ्लैट्स में रह रहे हैं। तो अभी हमारा ऐसा कुछ लीगल हायरशिप अभी बना नहीं है, और ये सोसाइटी में मैं अलाउड नहीं हूँ किसी भी पार्टिसिपेट के लिए। तो आपने जो प्रोविजनल मेंबरशिप बोला है, और मम्मी नॉमिनी में है, तो मैं प्रोविजनल मेंबरशिप बन सकता हूँ क्या? जैसे मैंने और किसी को बताया, फ्रांसिस आपको बताया शायद मैंने, आप प्रोविजनल मेंबरशिप का इश्यू को भूल जाइए, वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है जिसका कोई महत्व नहीं है। परिवार में अगर सर्वसम्मति है तो आप एक रजिस्टर्ड रिलीज डेट एग्जीक्यूट करिए, 2-3 दिनों के अंदर पूरा रिलीज डेट एग्जीक्यूट होके आपके हाथ में भी आ जाता है, 4th दिन आप सोसाइटी को हैंड ओवर कर दो, 3rd दिन शाम को, और उसी समय या उसके नजदीक के दिनों में आपके नाम पे मेंबरशिप मिल जाएगा, जिस किसी के नाम पे भी रिलीज किया गया है। आप तीनों का भी नाम डाल सकते हो, या दो नाम भी डाल सकते हो, या सिर्फ एक नाम भी डाल सकते हो। रिलीज डेट मतलब क्या होता है सर, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं। आपका सोड पत्र। आपका सोड पत्र, अच्छा, आपका सोड पत्र, अच्छा अच्छा, ओके। तो वो आपका सोड देता है या वो छोड़ देता है, या तीनों बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको आपस में रखने का, तीनों नाम या दो नाम या जो भी है, तो आप कर सकते हो उसमें। इट्स वेरी इजी और बहुत आसानी से हो जाता है।
जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन विद सुनील माने जी दैट आपके फादर का जो फ्लैट है उसमें वो 100% शेयर होल्डर थे या मॉम ज्वाइंट होल्डर है उसका? नहीं तभी नहीं करते थे ना, तभी मम्मी को सिर्फ नॉमिनी होता है। ठीक है, मम्मी नॉमिनी। तो अभी आप और आपके भाई हैं? हाँ भाई, ये तीन सिस्टर है, मम्मी तीन सिस्टर है। तो ये सारे जो है ना क्लास वन के लीगल हेयर हो जाएंगे। ओके। और जितने भी लीगल हेयर हैं वो किसी एक को या पांचों, आप अपने रिलीज डेट जैसा सर ने बताया है कि जो आपका हिस्सा बनता है, जैसे पांच लोग हैं किसी चीज को, पांच लोगों में बराबर बराबर बांटा जाएगा, क्योंकि पिताजी नहीं है। अगर विल छोड़ के गए होते तो विल के हिसाब से होता, लेकिन जो विल नहीं है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी क्लास वाइज बटेगी। अब पांच लोग अगर लीगल हेयर हैं उनके तो पांचों में बराबर बराबर बटेगी। तो अब ये मम्मी हो गई और ये चार भाई बहन लोग आप लोग हो गए, तो अगर सारा हिस्सा आपको मम्मी को देना है या आपको देना है तो बाकी के लोगों को एक जन को वो पूरा रिलीज डीड करके वो वही हिस्सा दे देना पड़ेगा, और फिर वो एक आदमी फिर जाके मेंबर। अभी सक्सेशन सर्टिफिकेट में जरूरत नहीं ना निकालने के लिए? फिर यार अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ शेयर ट्रांसफर करने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको फ्लैट बेचना पड़ेगा उस दिन वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर लगेंगे। अच्छा, रिलीज डीड होने के बाद भी सर्टिफिकेट जो है वो आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है? नहीं। अच्छा, सुनील से रिलीज डेट आप करवा लीजिए, उसमें आपका सब कुछ हो जाएगा। आपको और कोई भी कागज पत्री कोर्ट जाना, यहाँ जाना, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिलीज डेट में खाली इतना ही एक फंडा है कि आपके परिवार में सर्वसम्मति होना चाहिए। एनीवे, थैंक यू मिस्टर सुनील माने फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर अश्विन करनी, आर यू देयर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हिमांशु। गुड इवनिंग सर। यस मैम। एक्चुअली सर, एज वी हैव डन, एज वी अर्लियर डिड, लाइक पावर ऑफ अटर्नी, वी आर एग्जीक्यूटिंग पावर ऑफ अटर्नी फॉर लाइक सेलिंग अ फ्लैट और अ प्रॉपर्टी। अर्लियर वी डू लाइक दैट ना, बट नाउअडेज कोर्ट हैज चेंज्ड, लाइक पावर ऑफ अटर्नी इफ यू हैव डन देन यू आर नॉट अ ओनर, बट अर्लियर लाइक समवन हैज, वी हैव पेड of amount, we have paid the amount for flat and we have power of attorney, then can we on the basis of power of attorney can we make that like can we acquire title of that property? Ashish sir, I didn't understand the question sir, if you have please sir. Sir Ashish, kya hota tha ki ek zamane pe kuch log प्रॉपर्टी खरीदते थे पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे, उन दिनों सेल डील करते थे तो स्टैम्प ड्यूटी लगता था और रजिस्ट्रेशन फीस लग जाता था वगैरह वगैरह, लेकिन घर पे ही बैठ के पावर ऑफ अटॉर्नी बना लिया, 50 रुपया 100 रुपया के पेपर के बीच में नोटरी करा लिया, पैसे लेना देना कर दिया और घर आके अपना रहने लगे वहां पे, लेकिन टाइटल डीड नहीं खड़ा किया उसके अंदर, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका इंडेक्स तो कभी भी जेनरेट नहीं हुआ, और वो पावर ऑफ अटॉर्नी उन दिनों 100 रुपए के पेपर पे हुआ करता था, और बहुत पहले जाएंगे तो 10 रुपए के पेपर में हुआ करता था। अब मैडम का प्रश्न ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे मैंने घर खरीद लिया, सेल डेट नहीं है लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे पैसा का लेना देना भी कर लिया, अब मुझे उसको बेचना है, मैं कैसे बेचू? क्या वो पावर ऑफ अटॉर्नी आई हैव टू ट्रांसफर इट ऑन माय नेम, लाइक कैन आई डू लाइक दैट? या आई मीन बेचना, ट्रांसफर करना, गिफ्ट करना वगैरह वगैरह सब एक ही कैटेगरी में आता है। अभी प्रश्न ये आता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे प्रॉपर्टी एक्वायर किया तो आप उसका आगे क्या कर सकते हैं, क्या कुछ, ये प्रश्न है उनका। yes. नहीं तो इसमें तो ऐसा होगा ना कि अगर ये एक लाइन में बोले तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली Okay. अगर इसको थोड़ा सा हम फ्रेमिंग करें अच्छे से कि कौन से टेक्निक से कर सकते हैं, तो लॉ में उसके भी प्रोविजन है, बशर्ते जिससे आपने परचेस की है उसने रजिस्ट्रेशन करवा के रखा हो, उसने बाकायदा स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरी हो और आपके नाम पे पावर ऑफ अटर्नी देकर रखी हो कि मैंने अपना पावर देकर रखा है कि ये बंदा या ये बंदी या ये लड़का ये लड़की इस फ्लैट को बेचने का हक मैं इसको देता हूं,
या इसके नाम पे ट्रांसफर करने का हक मैं देता हूँ, तो बाकायदा फिर आप वापस से वो ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो पूरा फॉलो करना पड़ेगा और स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरना पड़ेगा और उसके बाद ट्रांसफर होगा। बाकी अगर इसी तरीके से चल रहा है, व्हाट आई अंडरस्टूड अहमद जी की जो अभी भी जो चॉल सिस्टम होती है ना, जो चॉल होती है वो वहां पे यही सिस्टम आज भी चलता है। एक सेल डीड तो नहीं, वो पावर ऑफ अटर्नी जैसे ही बन जाता है, नोटरी करवा लेते हैं, बेच भी दिया, ले भी लिया, लेने वाला भी खुश है, बेचने वाला भी खुश है, जो लेता है वो भी उसी तरीके से बेच भी देता है क्योंकि उसको बायर मिल जाते हैं। बट फ्लैट सिस्टम में अभी तक ऐसा ये चला नहीं है, पहले लोग करते थे क्योंकि उनको बायर मिल जाते थे। जैसे आपने परचेस किया पावर ऑफ अटर्नी पे, अगर आपको भी कोई बायर मिल जाएगा तो आप भी बेच दीजिए। क्या हुआ करता था पहले कि आपने पावर ऑफ अटर्नी के बेस पे ले लिया, पहले 3% स्टैंप ड्यूटी, फिर 5% किया, आज के दिन पे 6% हो गया। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 6 लाख रुपए तो यूं ही निकल जा रहा, लेकिन 500 रुपए या 100 रुपए का पावर ऑफ अटॉर्नी कर लिया तो बाकी सारी चीजें बच गई। अब लेने वाला भी सोचता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे ले लेते 6 लाख रुपए तो ऐसे ही बच जाते, 6 लाख रुपए मेरे जैसे आदमी के लिए तो बहुत बड़ी रकम होगी। बट उसका समाधान निकालने के लिए तौर तरीके होंगे। ऐसे मैटर को एनीवे लेट अस प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अश्विन करनी। सोसाइटी है, पूरा बिल्डिंग बन गया है, तो मतलब पाकिस्तान जो है पुरानी बिल्डिंग है उसमें हम लोग वो टाइम पे जब भी सोसाइटी नहीं हुआ था वो टाइम पे जो गैरेज का जगह रहता है ना वो रजिस्ट्री हुआ है हमारा, वो ट्रस्ट के लिए लिया था, मतलब मंदिर के लिए रजिस्ट्री होते तो अभी मेंबरशिप सोसाइटी नहीं दे रही है, तो क्या करना होगा? रजिस्ट्रार में भी कंप्लेंट किया लेकिन वो लोग का कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे, और बोले तो कुछ मतलब जवाब नहीं आ रहा जा रहा है वहां से। मेरे समझ में तो नहीं आया प्रश्न जी। सर से आई वाज जस्ट अबाउट टू से दैट आई डिडंट अंडरस्टूड व्हाट ही आस्क्ड मी। Mr. Ashwin, please meet a local property lawyer. He might be able to guide you. Local property का ही है। ये पूछ रहा हूँ कि जो सोसाइटी का जो बिल्डिंग है उसके बाहर जो गैरेज का उनका ऑफिस जो बनाते हैं ना, वो हमें सेल किया था ट्रस्ट के लिए कि कुछ भी आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं ऐसा। तो धार्मिक कार्य के लिए हमारा प्रॉपर्टी उसका रजिस्टर हुआ है, रजिस्टर हुआ है तो सोसाइटी में मेंबरशिप नहीं मिल रहा है, तो क्या करना होगा? नहीं नहीं, तो वो जो पार्ट का आपको सेल किया है बिल्डर ने सेल किया है? हाँ सेल किया, प्लान के बाहर किया बार बार थी, तभी प्लान का इतना अपने को नॉलेज नहीं था, तो वो टाइम पे 25 साल पहले ले लिए थे। नहीं नहीं, प्लान में नहीं था प्रॉपर्टी, जो बिल्डिंग बनता उसके प्लान में जो है ना फ्लैट के उसमें नहीं था, तो जो साइड में जो बनाते गैरेज ना वो मतलब ऑफिस टाइप का, तो उन्होंने ट्रस्ट के लिए बेचा था कि भाई कोई भी धार्मिक कार्य के लिए बेच रहे हैं, तो हमारा रजिस्टर ही हुआ है। समझ गया सर आपका सवाल, मैं समझ गया। तो जो भी आपको गैरेज या जो भी एक स्ट्रक्चर बेचा बिल्डर ने, हाँ उसका रजिस्ट्रेशन करवाया होगा? हाँ रजिस्ट्रेशन करवाया है, एग्रीमेंट बना होगा? एग्रीमेंट भी बना है, तो उसमें बिल्डिंग का प्लान पास करवा के उसमें आपको बताया होगा कहाँ पे दे रहे हैं? नहीं वो बिल्डिंग का प्लान में नहीं था ना। अगर बिल्डिंग के प्लान में नहीं है तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको खाली पूरी जमीन बेची है। हाँ स्ट्रक्चर तो दिखा दिया बट शायद पूरी जमीन बेची है, अगर रजिस्टर जमीन बेची है। हाँ बराबर, तो वो जो जमीन बेची है हाँ उसके पेपर्स लगे होंगे आपके एग्रीमेंट में? एग्रीमेंट में पेपर बोले थे कि वो टाइम पे खाली बना हुआ था, तो ये ऐसा मेंशन नहीं किया था कि इतना जगह बेचा है, उसका खाली स्क्वायर फीट का जो जगह बताया वो है 250 फुट का अप्रोक्सली जगह बताया गया है। अश्विन जी उसके लिए तो पूरे पेपर्स देखने पड़ेंगे एक बार फिर। मिस्टर कीर्ति। हेलो सर, सबसे पहले जो लेडी का आप लिया कि उसके एक फ्लैट और एक उसका शॉप है जिसपे दोनों हस्बैंड वाइफ पार्टनर है, नहीं दो 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 फ्लैट है जिसका फर्स्ट जो लेडी का आपने क्वेश्चन किया था कि उसके दो फ्लैट है जिसमें प्राइमरी ओनर लेडी का नाम है, अगर एक में प्राइमरी ओनर लेडी का नाम है और एक में जॉइंट ओनर में हस्बैंड का नाम कर देंगे तो फिर दोनों के लिए अलग अलग मेंबरशिप हो जाती है और फिर अलग अलग लड़के को वो लोग एसोसिएट मेंबर बना सकते हैं या
उनके क्वेश्चन मैंने थोड़े से सुने, फिर वो वॉल्यूम ब्रेक हो गया। हाँ सर, अब सबसे पहले जो लेडी का क्वेश्चन लिया था, सबसे पहला क्वेश्चन आज के वेबिनार में कि मेरा था, फ्लैट है एक लेडी के जिसमें हस्बैंड वाइफ का नाम साथ में है, उसमें दोनों में प्राइमरी में लेडी का नाम है, अगर प्राइमरी में एक में हस्बैंड का नाम अगर चेंज करवाते हैं मेंबरशिप में तो दोनों का मेंबरशिप अलग हो जाती है फर्स्ट नेम का, तो दोनों फिर एक एक लड़के को असिस्टेंट मेंबर बना सकते हैं, जो अपना बात हुआ कि उसको नहीं बना सकते, दोनों में एक ही वोटिंग होता है, तो अगर मेंबरशिप चेंज करा लेंगे अगर तो ये पॉसिबल है। आप मेंबरशिप कैसे चेंज कराएंगे कीर्ति सर? ज्वाइंट ऑनर है ना, वो ज्वाइंट ऑनर है दोनों में फ्लैट में, कैसे चेंज कराएंगे आप? डीड बनवाओगे क्या करोगे आप, कैसे करोगे चेंज? नहीं, एसोसिएट मेंबरशिप पर कैंसिलेशन के लिए सोसाइटी को देंगे और फिर न्यू मेंबरशिप के लिए हस्बैंड के नाम से दे देंगे क्योंकि दोनों का जॉइंट नेम है। एग्रीमेंट पे जैसा नाम का सीक्वेंस है ना, बता रहे थे कीर्ति साहब, एग्रीमेंट पे जो सीक्वेंस में नाम है, जो सीक्वेंस में नाम है वो परमानेंट रहता है, उसको चेंज ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप। एग्रीमेंट के हिसाब से चलता है। हाँ जी, परसेंटेज 50-50 होगा तो भी, सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट के बेस पे नाम शेयर सर्टिफिकेट पे चढ़ता है, जो सीक्वेंस में नाम एग्रीमेंट पे है वही सीक्वेंस पे रहेगा, आप उसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहेगा सोसाइटी को अधिकार नहीं। एनीवे थैंक यू एडवोकेट आशीष सर फॉर शेयरिंग ऑल योर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड आई एम सॉरी मैडम वी डू नॉट हैव टाइम नाउ। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग टुडेज वेबिनार, विद द परमिशन ऑफ ऑल अवर फ्रेंड्स we will conclude today's webinar.